बस खचाखच भरी हुई है। यात्री बस के अंदर तो भरे ही हैं, बस की छत पर भी यात्री बैठे दिख रहे हैं। ये सभी यात्री प्रवासी मजदूर हैं, जो महाराष्ट्र में रोजी रोटी कमाते थे। लॉकडाउन की वजह से जब इन लोगों को काम मिलना बंद हो गया तो ये लोग अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम तो किया है, लेकिन वो इंतजाम काफी नहीं दिख रहा, क्योंकि बसें कम होने की वजह से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बस के ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए भी सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। सर, ये बॉर्डर पे से हमारा को मतलब देवास रेलवे स्टेशन पे छोड़ने का बोला है सर। बस में तो खचम खच भरी आपकी, बहुत ज़्यादा भरी है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, ऊपर नीचे भी है सर, देख लो, ये आपका कैमरा देख लो, ऊपर नीचे है, बहुत ओवरलोड है, अंदर भी खचा खच भरी हुई है। आपके लिए कोई साधन दिए? कुछ भी नहीं है, सैनिटाइजर भी नहीं है, कोई मास्क भी नहीं है, मास्क टूटा फूटा ये गाड़ी में पड़ा हुआ था, उठा के लगाया मैंने मेरी खुद की सेफ्टी के लिए। क्या चाहते हो सरकार से? कम से कम हमारा को कम से कम कुछ मतलब सुविधा दी जाए सर, जैसे मतलब सैनिटाइजर, ये मास्क हमारे बचाव के लिए, हमारा भी घर परिवार है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी लोगों की सेवा करने निकले हैं। इन यात्रियों को बड़वानी से देवास ले जाया जा रहा है, जिसके बाद देवास प्रशासन सभी को अपने घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करेगा। प्रशासनिक अधिकारी भी मान रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। हालांकि अधिकारी इन मजदूरों से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील जरूर कर रहे हैं। लगभग 100 बसों के माध्यम से मजदूरों को हम देवास भिजवा रहे हैं। सर, बड़ी संख्या में मजदूर देखने पा रहे हैं, सर आगे क्या व्यवस्था जारी रहेगी? हाँ, मजदूर हंगामा कर रहा है। आज पहला दिन था और सुबह से ही हमारी टीम लगी हुई है, और सभी जो भी मजदूर महाराष्ट्र से पैदल आ रहे हैं उन सभी को हम बस के माध्यम से आगे भिजवा रहे हैं। क्या क्या गाइडलाइंस हम लिए सर, भोजन पानी की व्यवस्था? इनको हम पानी की व्यवस्था भी करा रहे हैं, खाने की व्यवस्था भी भवरगढ़ में किया गया है, रुकने की व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण भी वहाँ करवा रहे हैं, उसके उपरांत इनको बसों में बिठा के आगे भेज रहे हैं। क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा कोई भी मजदूर पैदल नहीं जाए बॉर्डर से? हाँ, ये हमारा प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है और पूरी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति पैदल ना जाए। तो भीड़ अधिक है, सोशल डिस्टेंस का पालन होते नहीं दिख रहा है, भीड़ ज़्यादा उमड़ पड़ी है। नहीं, लोगों से हम अपील कर रहे हैं और बस में बैठते टाइम भी सभी को समझा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार अनाउंस भी कर रहे हैं, और बसों में हम सोशल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। सर, आगे देवास के बाद क्या स्थिति रहेगी? प्रशासन ने देवास के बाद अलग अलग जिलों में जाने के लिए देवास प्रशासन ने वहाँ से व्यवस्था की है। लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से भारी संख्या में प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। इन लोगों को घर पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से बसें भी चलाई गई हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों के लिए भी बस चला रही है, लेकिन बसों की संख्या काफी सीमित है और मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा। बड़वानी से जैद अहमद शेख की रिपोर्ट।